नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में जानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे तेज बहादुर यादव का विधानसभा चुनाव में बड़ा ऐलान, बीजेपी में मचा हड़कंप, क्या है पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर लेंगे, चुनाव आयुक्त के पीछे पड़ा आयकर विभाग। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष की हुई किरकिरी, हुए जमकर ट्रोल। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले, और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव, सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, सेना के खाने पर सवाल उठाकर चर्चा में आने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उनकी चर्चा में होने का विषय है उनका नया ऐलान। तेज बहादुर ने इस बार ऐलान किया है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, वीडियो जारी करते हुए बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दे रही है, लेकिन आप 75 के आगे माइनस लगा लीजिए। तेज बहादुर ने ऐलान किया कि वो इस बार हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए तेज बहादुर यादव ने कहा कि एक कट्टर सहायक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो एक भी ऐसी चीज बता दें जो उन्होंने देश हित में की है। ये जोरदार हमला दोस्तों तेज बहादुर यादव की तरफ से बोला गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। और देख सकते हैं कि आपको बता दें दोस्तों, बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर के द्वारा जो ये ऐलान किया गया, उसके बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। जो उन्होंने ऐलान किया कि वह सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो दोस्तों ये बेहद ही बड़ी खबर निकल के आई। इस खबर को लेकर के जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग भी बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर दोस्तों बताते हैं। आयकर विभाग ने चुनाव आयुक्त लवासा की पत्नी को भेजा नोटिस, कहा निजी वित्तीय मामलों की जानकारी दें, क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये वही अशोक लवासा हैं जिन्होंने अमित शाह और मोदी को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में, आपको बता दें, क्लीन चिट देने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। आयकर विभाग ने लवासा की पत्नी को एक नोटिस जारी कर करीब 10 कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल रहने के सिलसिले में अपनी आयकर रिटर्न में दिए गए कुछ खास ब्यौरे के बारे में बताने को कहा है। नोटिस की खबर पर नोवेल सिंगल ने कहा कि मैंने सभी टैक्स अदा किया है और आयकर टैक्स कानून के मुताबिक सभी तरह की कमाई का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा, मैंने 28 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है और बैंकिंग के क्षेत्र में अनुभव की वजह से मैं अभी भी प्रोफेशनल कार्यों में सम्मिलित रहती हूं, जिनमें कुछ कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद की सभी आयकर विभाग की नोटिस का जवाब भी दिया है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर आयकर विभाग ने चुनाव आयुक्त तो लवासा की पत्नी को भेजा है नोटिस। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में हो रही है जय जय पर विपक्षी जेल में या बेल पर हैं, इसी तंज पर जेपी नड्डा हुए ट्रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए एक बयान के चलते सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया भर में पीएम मोदी की जय जय हो रही है, पर विपक्षी जेल में है या फिर बेल पर बाहर जांच एजेंसियों के शिकंजे पर हैं। ट्विटर पर इसी के जवाब में लोगों ने जवाब दिया और लिखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब स्थापित हुआ उसकी तारीख चेक कर लीजिए, और हां, चिन्मयानंद व कुलदीप सिंह सेंगर क्या दीन दयाल उपाध्याय महल में रहने गए हैं क्या। ये यहां पर तीखे प्रश्न लोगों की तरफ से पूछेगा और जमकर लोगों की तरफ से भी तंज किया गया है। और जमकर यहां पर आपको बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हो गए हैं ट्रोल।
तो वहीं आपको बता दें, एक अन्य यूजर ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के आधे नेता आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तब आपको वो भ्रष्ट नहीं लगे। आपकी पार्टी में जो भी जाए वो दूध का धुला कैसे हो जाता है? यहां पर लोगों की तरफ से प्रश्न पूछेगा। यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जमकर हुए हैं ट्रोल सोशल मीडिया पर। ये बड़ी खबर निकल के आई। आइए अब आपको दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते हैं। यूपी सरकार ने प्रशासन पर नियंत्रण खोया, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं। ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार प्रशासन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो चुकी है। समाज का हर वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है प्रदेश के अंदर। हर तरफ अव्यवस्था, अशांति और अराजकता है। अखिलेश ने बयान में कहा कि सपा सरकार में अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी 100 पुलिस सेवा उपलब्ध कराई गई थी, भाजपा सरकार में वह लगभग निष्प्रभावी हो गई है। यूपी अब हत्या प्रदेश बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश से बेहाल लोगों की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। यहां पर दोस्तों जोरदार हमला बोला गया है अखिलेश यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर, और कहा है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की कोई भी नाम की चीज नहीं रह गई है, सिर्फ जंगल राज का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां पर तीखा हमला अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों बोला गया है। आइए अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी का बीजेपी पर हमला, और कितनी मॉब लिंचिंग चाहिए, कब सुधरेंगे हाल, सीताराम येचुरी ने भी दिया साथ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, झारखंड में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी पर इस बाबत जुबानी हमला बोला है। पूछा आपको और कितनी मॉब लिंचिंग चाहिए, आखिर हालात कब सुधरेंगे। वहीं आपको बता दें, सीताराम येचुरी की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसमें जेडीयू का साथ दिया और ऐसी घटनाओं को बेहद खतरनाक करार दिया। आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा कि यह समझने कि हम एक असभ्य देश बनते जा रहे हैं से पहले और कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं चाहिए। ह्यूस्टन अमेरिका में एक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी धरती पर विविधता और लोकतंत्र, सहिष्णुता और अहिंसा की परंपरा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा का प्रदर्शन कर देते हैं। वहीं उधर आपको बता दें, सीपीआई के महासचिव येचुरी ने बताया यह चीज जल्द से जल्द रोकनी होगी, इसके लिए हमें सरकार से जवाब चाहिए या फिर कार्रवाई। इतना तो साफ है कि झारखंड में कानून और न्याय व्यवस्था बेहद खराब है। इसी बीच आपको बता दें, येचुरी की पार्टी की नेता वृंदा करात ने झारखंड को लिंचिस्तान करार दिया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, आपको बता दें, एक के बाद एक घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं मॉब लिंचिंग की झारखंड से। तो यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने जमकर निशाना साधा है बीजेपी की सरकार के ऊपर, और कहा है कि या तो सरकार कार्रवाई करे या जवाब दे जनता को और तमाम पार्टियों को जो सवाल पूछे गए। यहां पर दोस्तों यह बड़ी खबर निकल के आई। अब आपको आइए अगली बड़ी खबर बताते हैं। मायावती का बड़ा फैसला, बीएसपी की राजस्थान कार्यकारिणी को किया भंग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हाल ही में राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राजस्थान में 6-0 पर पहुंची है बीएसपी, पूर्ण बहुमत में आ गई है गहलोत सरकार। दोस्तों यहां पर यह मायावती की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बीएसपी की राजस्थान कार्यकारिणी को किया गया है भंग। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली मंच पर आपस में भिड़े बीजेपी महिला पार्षद, हंगामे के बाद सभा रद्द। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के किराड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सभा में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी की 3 महिला निगम पार्षद आपस में भिड़ गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आपको दोस्तों बता दें, किराड़ी भाजपा में सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ऐसे में आखिरकार सभा को रद्द करना पड़ा। दरअसल हंगामा करने वाले सभी लोग भाजपा के नेता और कार्यकर्ता थे। आइए दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश झाबुआ उपचुनाव, कांग्रेस के समर्थन में आया आदिवासी संगठन जयस।
अब दो पार्टियों में होगी चुनावी जंग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और लोकसभा के संग्राम में बुरी तरह पिछड़ने वाली कांग्रेस का नया संग्राम झाबुआ विधानसभा सीट पर दिखेगा। चुनाव आयोग के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झाबुआ से लेकर भोपाल तक में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जैस की तरफ से आई है। कांग्रेस विधायक और जैस प्रमुख हीरालाल अलावा ने साफ कर दिया है कि झाबुआ सीट पर जैस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जैस ने कांग्रेस के खाते में एक सीट बढ़ाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, यानी कि अब इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होना तय है। आपको बता दें कि झाबुआ में अगले महीने 21 अक्टूबर को विधानसभा का उपचुनाव है, जिससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर निकल के सामने आई है। आइए दोस्तों, अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर को है चुनाव, इसलिए सभी पार्टियों ने, यहां पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, तो उसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों को बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिले। आप सभी का